हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आप सभी लोग जानते हैं कि भैया न्यू वाली जो ड्यूक 390 है वो आने वाली है, तो उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे ही मैसेज आ रहे थे कि प्रीत भाई न्यू वाली ड्यूक के ऊपर बताओ। मैंने अभी ना कल परसों एक स्टोरी शेयर करी थी जिसमें ना बाइक की टेस्टिंग चल रही थी, हैवी कैमोफ्लॉज के अंदर थी बाइक। तो वहाँ पे एक मतलब मैंने स्टोरी देखी, ऐसी एक रील देखी थी, तो मैंने कहा स्टोरी लगाते हैं। काफ़ी सारे भाइयों को उसमें मैसेज आया कि प्रीत भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस थी, इसके ऊपर एक वीडियो तो बनाओ। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से काफ़ी टाइम पहले, बट इस वाली बाइक की अगर बात करें ना, इसमें बहुत कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। क्लिप मैं आपके लिए भी स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा रेफरेंस के लिए। अपनी जो डुकासुरा वो पीछे की साइड खड़ी हुई है, तो इसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा क्या क्या चीज़ों का चेंजेस है, क्या क्या नहीं है। बिहाफ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का चेंजेस है, क्या क्या KTM ने बदला है, क्या क्या नहीं बदला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फ्रंट से शुरुआत करी जाए तो उन्होंने जो इसके अलॉय व्हील है ना वो चेंज करे हैं। हालांकि इस वाली वीडियो के अंदर जो बाइक है वो चल रही थी मोशन में थी, अलॉय व्हील का इतना पता नहीं चल रहा था, बट न्यू RC 390 में जो अलॉय व्हील आते हैं ना सेम वो लाइट वेट हल्के वाले, वो वाले अलॉय व्हील इन्होंने इसके अंदर एड ऑन कर दिया। अब आपको इस डिज़ाइन के ऐसे अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे जिसमें कि भाई यहाँ से देख रहे हो ना, एक बारी पास से दिखाना भाई, यहाँ से आप देख रहे हो ना सारा जो भी ये कटा कटा है यहाँ से, और इसको हल्का कर देंगे और जो डिस्क ब्रेक की प्लेट है वो भी चेंज हो जाएगी। अब आपको न्यू वाली डिस्क ब्रेक की प्लेट देखने के लिए मिलेगी जिसके ऊपर से लाइट वेट बनाने के लिए इन्होंने लोहा निकाल के फेंका है। दूसरी एक चीज़ जो KTM ने बहुत बढ़िया करी है, जो मुझे उस क्लिप के अंदर नज़र आई है, जैसे कि मैं इसको बाइक पर बैठा हूँ उस टाइम पर, तो देखो कितनी ऊँची है ये, उसकी सीट का डिज़ाइन ऐसे यूँ करके थोड़ा सा डिप कर आएगा। देखो क्लिप साइड में चला दूंगा, आप देखोगे तो यूँ करके सीट का डिज़ाइन इस तरीके से डिप है। पीछे सीट थोड़ी सी ऊंची, आगे की नीचे है, जैसे कि यूजुअली आप लोगों ने देखा है स्पोर्ट्स बाइक में रहता है R15 में। फॉर एग्जांपल के लिए R15 ले लो, RC 390 ले लो, कि आगे वाली सीट नीचे पीछे की सीट ऊपर है, बट इसकी इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस कर दिया कि भाई बंदा बैठेगा ना, मान के चलो अभी जैसे मैं 5'8" या 5'10" जितनी मेरी हाइट है, इतनी हाइट वाला बंदा इस बाइक को कंफर्टेबली चला रहा है, तो उस टाइम पे मान के चलो 5'6" वाला बंदा भी इस बाइक को कंफर्टेबली चला लेगा, 6'7" वाला। तो ये एक काम KTM ने अच्छा करा है। तो भाई देखो इसकी जो सीट हाइट है इन्होंने वो भी कम करी है, जो मुझे एक चीज़ बढ़िया लग रही है। बट हाँ, वहीं पे जब मैंने ग्राउंड क्लियरेंस देखा ना, तो क्लिप साइड में चलती रहेगी आप देख लेना, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ पे इन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा है, वो अभी भी थोड़ा कम ही रहेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस ज़मीन के पास होना या फिर आपकी जो बाइक है उसको नीचे रखने का सीधा सा एक सीन जाता है भाई, एरोडायनामिकली बाइक को अच्छा बनाना होता है, तो एरोडायनामिकली थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहती है, इस वजह से जो उसका इंजन है ना नीचे की तरफ को करके रखा हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। तो ये बात रही उसकी, एंड इसके अलावा क्या अपग्रेड है, हाँ एक बार इधर से आना भाई, इधर से दिखाते हैं। अगर आप इधर की साइड से देखोगे तो जो इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो इसका मीटर है, अभी ना ये थोड़ा सा अपराइट है। अगर आप उस वाली क्लिप में देखोगे ना, ये थोड़ा सा ना ऐसे फ्लैट करा है नीचे को, इसको ऐसे ना करके हल्का सा फ्लैट करा है, जो चीज़ मेरे को क्लिप में समझ में आई है। और जो ये इसके मिरर्स रहते हैं यहाँ पे, जो मिरर आते हैं स्टॉक मिरर, उन्हें चेंज कर दिया, अब पतली सी डंडी वाले थोड़े से क्वालिटी वाइज इंप्रूव करा है मिरर्स को। जैसे वो पहले ऐसे मिरर थे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ओल्ड मिरर है, वो ऐसे ऐसे गिरते जा रहे थे, गिरते रहते थे इस तरीके से, तो अब वो इस तरीके से ना गिरे इसलिए थोड़ा क्वालिटी वाइज इंप्रूव करा है, वो एक चीज़ यहाँ पे मिरर की इन्होंने बढ़िया करी है। नेक्स्ट अगर एक अपग्रेड की बात करो तो वो भाई इसकी फ्रंट की लाइट्स के अंदर है, तो वो तो मुझे पर्सनली भाई बढ़िया लग रहा है, जो इसकी लाइट का यहाँ से डिज़ाइन चेंज करा है वो तो मेरे को देखने में अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी बाइक कैमोफ्लॉज के अंदर कवर हुई हुई है, तो उस वजह से इतना मतलब कह पाना मुश्किल है कि कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बट हाँ अगर मैं बोलूँ ना इससे, तो ये अपनी जगह ठीक है, ये कोई बुरा नहीं है, बट जो इन्होंने अपग्रेड करा है वो इससे अच्छा है। जैसे कि RC 390 की बात करी है, उसमें बोलते हैं लोग कि ओल्ड शेप या ओल्ड लुक वाली RC ज़्यादा अच्छी थी, न्यू वाली इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि लोगों का प्रोस्पेक्टिव है कि लुक वाइज अच्छी नहीं लगती, बट 390 के साथ अगर बात करूँ ड्यूक के साथ डेडिकेटेड, तो उसकी जो लाइट है ना वो इन्होंने अच्छी करी है, वो मुझे पर्सनली बढ़िया लग रही है। आप लोग कैसे लगे कॉमेंट करके बताना। एक चीज़ यहाँ से इन्होंने चेंज करी है, इधर का जो ये पैनल देख रहे हो ना, ये वाला जो इसका पार्ट है वाला प्लास्टिक का फाइबर का, इसको थोड़ा अंदर की तरफ स्लीक करा है, थोड़ा सा और शार्प करके, मुझे लग रहा है जो पोर्शन है ना यहाँ से देखने में थोड़ी सी वाइड लगेगी, थोड़ी बड़ी लगने वाली है देखने में बाइक। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो तो शायद मे बी अभी भी 13 लीटर ही रहेगी, 13 लीटर से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि KTM को भैया अपनी बाइकें हल्की बनानी होती है, तो पेट्रोल का टैंक अगर बड़ा कर देंगे तो फिर लोग फुल भरवाएंगे, उससे कहीं ना कहीं पर जो परफॉर्मेंस है उसको फ़र्क पड़ेगा। तो ये लोग इसको तो 13 लीटर ही रखेंगे, बट ये है कि जो राइडर बैठेगा ना नीचे की तरफ बैठेगा, थोड़ा कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ पाएगा, और ये है कि छोटी हाइट वाले बंदे इसको अब आराम से चला सकेंगे। नेक्स्ट जो इन्होंने अपग्रेड करा है जो मेरे को देखने में बढ़िया लगा है, देखो टायर मैंने अलॉय व्हील आपको बता दिए। भाई कुछ लोगों ने एक बार मेरे से ये भी बोला था कि नया इंजन आएगा 399 cc वाला, 399 373। भाई मैं एक फैक्ट बात बताता हूँ, अभी ऐसा कहीं कन्फर्म तो मैंने नहीं सुना है कि 399 cc का आने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई वो 373 cc का ही देंगे। पता नहीं भाई इस चीज़ के ऊपर कोई KTM की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी कुछ नहीं देखा मैंने, और जो स्पाई शॉट है उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है ना बाइक में, दिखने दिखाने में तो सेम है, तो मुझे लगता है जहाँ तक है सेम ही आएगा। बाकी आप लोग ही कह रहे हैं कमेंट करके बताना, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अपग्रेड आएगा, ऐसा मेरा थॉट है, आप लोग अपना बता सकते हैं।
नेक्स्ट चीज की अगर टेल सेक्शन की बात करी जाए तो भाई टेल में इन्होंने लाइट वगैरह चेंज करी है, वो देखने में अच्छी लग रही है। पीछे की तरफ जो इसका टेल सेक्शन है उसमें लाइट वगैरह के अंदर इंप्रूवमेंट आया, जो इसकी भाई जो टेल टाइड है आप लोग कह सकते हो इस तरीके से दे रखी है, बढ़िया लगती है देखने में। इसमें ऐसा कोई इन्होंने इंप्रूव नहीं करा, ऐसी लंबी सी है तो ये चीज ठीक है, लाइट के अंदर इंप्रूव करा है वो मुझे बढ़िया लग रहा है देखने में। बाकी इस बाइक के अंदर जो मेजर अपग्रेड आएगा ना वो आएगा भाई इसके अंदर फीचर्स को लेकर, फीचर्स इन द सेंस जैसे कि इसमें अभी ब्लूटूथ आपको देखने के लिए मिलता है, कोई शिफ्टर देखने के लिए मिल जाता है, पर इनके अलावा अगर और मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूँ तो वो चीज़ें नहीं है। ABS वगैरह आता है ठीक है भाई, डुअल चैनल ABS है, पीछे का ABS आप लोग ऑफ भी कर सकते हो, सुपर मोटो मोड आता है, बट इसके अंदर ABS में एक चीज़ आएगी कॉर्नरिंग ABS इसके अंदर अब KTM एड ऑन करेगा, जो कि मुझे लगता है क्योंकि भाई देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है KTM के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है कि अपनी हर बाइक के अंदर ना ऐसे मान लो 390cc की बाइक है चाहे वो RC चाहे वो ड्यू का सेम रहती है फीचर्स के मामले में या फिर आप लोग मान के चलो इंजन के मामले में हर चीज़ सेम रहती है। तो उसी चीज़ को अगर हम देखें पुरानी उठा के तो इसके अंदर भी आप मान के चलो ABS में वो आ जाएगा कॉर्नरिंग ABS, और अगर फीचर्स की बात करी जाए तो फीचर्स के अंदर क्विक शिफ्टर प्लस जिसमें अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों होता है और ब्लूटूथ भी चलेगा इसके अंदर, एंड उसके अलावा नेविगेशन वगैरह भी चल जाती है, उसके लिए भाई अलग से पैसे लेते हैं ऐप, तो वो एक चीज़ रहेगी। मीटर की या TFT स्क्रीन की बात करी जाए तो जो न्यू वाली RC के अंदर आती है ना वो वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब जहाँ तक है ये वाली स्क्रीन को यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे जैसे कि लग रहा है सुनने में, मतलब जैसा कि अभी तक रूमर्स वगैरह देख के मेरे को पता चल रहा है। बाकी अगर मेजर और अपग्रेड की बात करूँ तो और ऐसे जितने कोई अपग्रेड तो नज़र आ नहीं रहे हैं भाई उसके अंदर, देखने में बाइक तो बढ़िया लग रही है नो डाउट मेरे को, मतलब पर्सनली बढ़िया सी लग रही है, पसंद सी आ रही थी, हालांकि अपग्रेड नहीं करेंगे रखेंगे हम डुगासूरी। बाकी अगर प्राइस की बात की जाए प्राइस कितना बढ़ सकता है तो प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है मोटा मोटा ड्यूक 390 के ऊपर, जैसे कि आज की डेट में शायद 348,000 रुपये की है, 350,000 राउंड फिगर मान लो, जहाँ तक 10,000 या 15,000 रुपये प्राइस इसके ऊपर बढ़ सकता है मोटा मोटा, एक मान के चलो 10-15 तक का प्राइस इंक्रीमेंट आ सकता है क्योंकि उस हिसाब से चीज़ें वगैरह भी अपग्रेड कर रहे हैं। बाकी तो सब कुछ आपको बाइक सिमिलर मिलेगी, लाइट वेट रहने वाली है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहेगी, भगाओ फुल पावर मजा करो। सवाल आता है कि ये कब तक लॉन्च करेंगे, ये एक मेरे लिए भी सवाल है, तो मुझे जो लग रहा है कि टेस्टिंग जिस हिसाब से चल रही है ना मे भी इस साल दिवाली पे लॉन्च कर देंगे, वरना 2024 में इस बाइक को लॉन्च कर देना चाहिए इनिशियली डेज पे, क्योंकि अभी काफ़ी लोग कह रहे थे कि RC 390 पे कोई अपडेट आएगा, भाई 390 पे क्यों आएगा, उस पर तो ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया, उस पर कुछ ऐसा है नहीं जो है, ग्राफिक्स वगैरह में कुछ ला सकते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, कॉस्मेटिक अपडेट अलग होते हैं, बाकी इंजन वाइज कोई अपग्रेड आना वो चीज़ मुझे नहीं लगता 390 पे आएगी। RC पे ड्यूक पे जो आना था वो मैंने आपको बता दिया, साइड से आ थोड़ी मोटी कर दी है जो देखने में अच्छी लग रही है, थोड़ा मतलब सुंदर नज़र आ रही है ठीक है ना, और उसको जो सीट हाइट लो करिए कहीं ना कहीं जो एरोडायनामिक्स है ना बाइक के वो KTM ने बहुत अच्छे करे होंगे, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ये लोग एरोडायनामिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, इन्हें चाहिए कि हमारी बाइक अगर मान लो 0 से 100 की स्पीड 5 सेकंड में अचीव करे तो अब हम चाहते हैं कि ये 5 के बदले 4.8 में करे, ये उसके लिए भाई हर मेहनत कर देते हैं, तो वही चीज़ इन्होंने RC 390 के साथ करी थी कि जो अब न्यू वाली RC है ना पुरानी वाली RC तेज भागती है, क्यों, क्योंकि एरोडायनामिक्स अच्छा है, तो वो एक चीज़ है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया BS3 लिया, BS4 लिया, रॉ पावर ये वो नहीं कह रहा मैं, अब नॉर्मल BS6 RC 390 और BS6 RC 390 नई वाली दोनों कंपेयर करना वो चीज़ कह रहा हूँ। तो भाई देखो मेरे को तो यही कुछ इस बाइक के अंदर चेंजेस लग रहे थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, आप लोगों का कमेंट आया था इस वजह से मैंने ये वाली वीडियो बना दी है, बाकी जब बाइक आएगी तब मैं बाइक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।